हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। और ब्लॉग स्टार्ट होता है अब। तो आज है हमारे यहाँ का गंगा मेला। तो गंगा मेला, मैंने मॉर्निंग की चाय पी ली, थोड़ी सी मैगी खा ली और इसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने दाल भरना के लिए कुकर में रख दी है, पानी, नमक और हल्दी पाउडर डाल करके। और इसमें डालने के बाद मैं इधर प्याज जो है के रिंग्स काट ले रही हूँ और प्याज से मैं बना रही हूँ लच्छा प्याज। और जो मार्केट में 40 रुपये प्लेट मिलता है, मैं 10 रुपये के एक प्याज में बना लूँगी। तो इसको मैंने बर्फ़ के पानी में डाल करके रख दिया है। और इधर मैंने जो है डो जो है तैयार कर लिया है, मैदा, सूजी और मलाई और दूध डाल करके। और इधर मैंने चाशनी बने रख दी है। तो बस मैं बना रही हूँ आज मालपुआ। तो फटाफट से मैंने मालपुआ बनाया क्योंकि हमारे यहाँ गंगा मेला तो सभी लोग आते हैं और होली की तरीके ही होता है ये, होली के 5 दिन बाद होता है। तो ये मालपुआ बन के रेडी हो गए हैं और जो इसको मैंने चाशनी में डिप कर दिया और ऊपर से काजू और बादाम से इसको डेकोरेट कर दिया। तो ये मालपुआ रेडी हो गए हैं। तो चलिए ले लेते हैं इसका मज़ा और आप लोग भी फटाफट से लीजिए। और इसको मैं रखते रही हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और अब इधर ये दाल रेडी होगी, इसमें मैंने जो कच्चा आम है वो डाल दिया है। और मैं बहुत ही यम्मी यम्मी सी आज एक डिश बना रही हूँ, वो सभी लोग जानते हैं। तो ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी डिश है। तो इस ये मैं आज बना रही हूँ दाल के फरा। कोई बोलता है दाल के दूल्हा, तो कोई मतलब सब जगह अलग अलग बनाया जाता है, कोई दाल ढोकली भी बोलता है। तो बस हम लोग तो खैर दाल फरा बना बोलते हैं। तो ये दाल फरा कट के रेडी हो गए हैं और इसको अब मेरी देखिए दाल ने बॉयल दे दिया है। तो इसमें मैंने फरा जो है कट करके डाल दिया। ये आटे से ही बनते, एक बार अगर नहीं आप जानते तो ज़रूर ट्राई करिए, सिंपल आटा गूंद करके बनते हैं। तो ये देखिए फरे रेडी हो गए हैं। इधर मेरा जो है जो प्याज है लच्छा, वो भी मैंने पानी से निकाल करके प्याज पेपर में डाल दिया था जिससे सारा पानी सोख ले। और उसके बाद प्लेट में मैंने इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सरसों का तेल, काला नमक और वाइट नमक डाला और ऊपर से डाल दिया पुदीना। इसका जो फ्रेग्रेंस आता है तो बहुत अच्छा लगता है प्याज खाने में। और इधर मैंने लगा दिए दाल के फ्राई में छौंक जीरा और हींग का, लाल मिर्च का। और ये देखिए प्लेटिंग मैंने कर लिए, दाल का फरा है और जो लच्छा प्याज है और आम का अचार है। तो फटाफट से आइए और यम्मी यम्मी से दाल के फरा के टेस्ट लीजिए। और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग।